कंसंट्रेशन ये हो गया साइन स्क्वायर और ये हो गया साइन स्क्वायर ए स्क्वायर और ये क्या हो गया बी स्क्वायर राइट। यहाँ तक ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए। तो बोलोगे माइनस का भी तो होता है, वो क्यों नहीं लिखे तो बताएगा माइनस वाला क्यों नहीं लिखे। इसका ना और एक फॉर्मूला होता है, तुम यहाँ पूछ सकते हो कि तू माइनस वाला क्यों नहीं लिखे। ठीक है, माइनस वाला इसलिए नहीं लिखे कि ये ए है ये बी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्लास 10 में बोला गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। यहाँ साइन 2x और dx a प्लस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2x cos क्या साइन स्क्वायर x cos 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? देखते जाओ बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है ये, WBA में भी आ सकता है CBSE में भी आ सकता है। ये क्या हो गया साइन 2x और dx, इसका वैल्यू क्या होता है 1 माइनस माइनस ये हो गया 2 इंटू साइन स्क्वायर x और ठीक है क्लियर है। अब साइन 2x किसका डेरिवेटिव होता है कॉस का, कॉस का होता है ना। अब यहाँ से कॉस कैसे आएगा, ठीक है यहाँ से कॉस कैसे आएगा देखो, इसको हम लिखेंगे 1/4 1/4 नहीं 2, तो ऊपर 2 से 2 कर देंगे इसको 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर। ये लाइन आया समझ में, ये दो अपने मन से लिखे तो दो को काटने के लिए यहाँ पे और 2 से 2 कर दिए, तो ये वाला जो है ना फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला हो गया तुम्हारा कितना बोलो तो साइन 2x 1 माइनस 1/2। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में देखे 2 साइन x और cos x का होल स्क्वायर। अब मेरे को ये बोलो ये किसका फॉर्मूला है, क्लास 11 में पढ़े 2x साइन 2x एकदम सही है। ये हो गया साइन 2x, ये हो गया 1 माइनस 1/2 क्या बोले साइन 2x बोले ना, यहाँ स्क्वायर कर दिए अभी भी नहीं आया। तुम्हारा टारगेट क्या था कॉस लाना, कॉस क्यों कॉस लाना वो कोसाइन है लेकिन अभी भी तो आया नहीं है। ठीक है साइन स्क्वायर क्लास 10 में पढ़े हो, साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस। हाँ यहाँ पे हो गया, अब आ गया ना तुम बोलोगे क्लास 10 में तो 2x नहीं था, अरे एंगल है 2x हो 4x हो 8x हो 10x हो कुछ भी है ठीक है ऐसा होता है। तो ये क्या हो गया अभी थोड़ा सा ठीक से कर दोगे इसको थोड़ा सा और बढ़िया कर दोगे साइन 2x और dx इसको इंटू कर दो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/2 1 में से 1/2 गया तो कितना होगा 1 में से हाफ गया हाफ, इधर भी हाफ कॉमन ले लो आप क्या करो। अच्छा देखो नीचे हम हाफ लिखे बहुजन इधर 1/2 लिखता है क्या गौर करना, तुम हाफ कॉमन लिए हो ना तो हाफ तो नीचे है ऊपर क्या है 1। बहुत बच्चा लोग क्या करेगा हाफ कॉमन लेगा तो 1/2 लिखेगा, नहीं नहीं ये नीचे है ऊपर 1 है ठीक है गौर करना। तो यहाँ पे अब कितना होगा बोलो तो साइन 2x और dx तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस बोलो क्लियर है। ठीक
इधर आ गया ना, अब हम क्या करेंगे, जेड मान लेंगे। क्या हो गया, जेड इक्वल टू कॉस 2x, डीजेड इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन 2x डॉट 2। डॉट 2 क्यों लगा कोई बताएगा? सर mx होता है 2x, पहले ट्रिग्नोमेट्री का हुआ है फिर 2x का काम हुआ है, x का 1 होता है 2, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, माइनस 2 को इधर भेज देंगे, ये 2 ऊपर चला गया, यहाँ देखो ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है। और साइन 2x dx इधर ये डीजेड हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा तुम्हारा कितना, माइनस 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा डीजेड, 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। 2 क्या हो गया, कट गया, माइनस 1/z² प्लस 1, ये किसका फॉर्मूला है बोलो, 1/x² प्लस 1 किसका होता है, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हो गया tan इनवर्स x, ठीक है। अब z का वैल्यू डाल दो, z की जगह पे क्या लिखोगे, cos 2x प्लस c, ये तुम्हारा फाइनल आंसर।